जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने गुजरात में 2002 में हुए दंगों और 1984 के सिख विरोधी दंगों में फर्क होने पर जोर देते हुए आरोप लगाया कि गुजरात हिंसा सरकारी मशीनरी की मदद से की गई, जबकि दूसरा भीड़ के उन्माद में हुआ। दिवंगत इतिहासकार विपिन चंद्रा की जयंती पर जश्न आजादी कार्यक्रम के तहत आयोजित वॉइस ऑफ आजादी में जमा लोगों को संबोधित करते हुए कन्हैया ने जेएनयू विश्वविद्यालय में हो रहे कथित हमलों की तुलना गुजरात दंगों से करते हुए आरोप लगाया कि दोनों को सरकारी मशीनरी के समर्थन से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। कन्हैया कुमार ने आपातकाल और फांसीवाद में मूलभूत फर्क होने पर जोर देते हुए उपरोक्त बातें कही। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की प्रक्रिया में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। वह राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले महबूबा सर्वसम्मति से पीडीपी विधायक दल की नेता चुनी गईं और उन्हें पार्टी के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया। पीडीपी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली से कुछ वरिष्ठ नेताओं के आगमन के बाद 4 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस याचिका और बागी विधायकों की बर्खास्तगी के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कांग्रेस को 31 मार्च को बहुमत साबित करने के लिए कहा है। इस वोटिंग में बागी विधायक भी हिस्सा ले सकेंगे। जस्टिस यूसी ध्यानी की सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान बागी विधायकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और दिनेश द्विवेदी ने पैरवी की। सोमवार को 3 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने केंद्र को मंगलवार तक जवाब देने को कहा था। हाईजैक किए जाने के बाद साइप्रस में उतारे गए इजिप्ट एयर प्लेन से अब तक बंधक बनाकर रखे गए 4 क्रू मेंबर्स और 4 यात्री भी रिहा हो गए हैं और हाईजैकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जानकारी साइप्रस के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में दी। इससे पहले मिल रही खबरों के मुताबिक अपर्ता मिश्र में कुछ महिला कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा था और उसकी पहचान साइप्रस में सैफ अल दीन मुस्तफा के रूप में की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को उन्हें चुनौती दी कि नारद पोर्टल की क्लिप में कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए देखे गए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को नैतिक आधार पर पार्टी से निकाला जाए। भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की जांच टीम जेआईटी के पठानकोट दौरे को भारत पाक रिश्तों के लिए अहम बताया है। साथ ही कहा है कि जेआईटी का यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक अभूतपूर्व पहल है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने असम में चुनावी बिगुल बजा दिया है। असम के दिफू में अपनी चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लिया। राहुल ने कहा कि मोदी जी ने असम से विशेष दर्जा वापस ले लिया, इससे असम को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा की संपत्तियों को बेचने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सेबी सहारा की 86 प्रॉपर्टीज को बेचकर सुब्रत राय की रिहाई के लिए जरूरी रकम इकट्ठा कर ले। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। इसके पहले सहारा की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वह अपने एमबी वैली को बेचना नहीं चाहता है क्योंकि इस जगह पर विकास कार्य चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि सहारा को एमबी वैली काफी पसंद है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने भारतीय पादरी थॉमस ओजाहुनालिन की गुड फ्राइडे के दिन हत्या कर दी। हालांकि पादरी के परिवार और भारत सरकार ने इस संबंध में किसी तरह की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में यमन में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की ओर से कथित तौर पर अगवा कर लिए गए केरल के पादरी के बारे में कोई प्रमाण योग्य सूचना नहीं है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने भारत के हर मैच के बाद विराट कोहली के मैदानी प्रदर्शन से बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर तंज कसने वालों को लताड़ लगाते हुए उन्हें हताशा का शिकार करार दिया है। इससे पहले कोहली ने भी अनुष्का को सोशल मीडिया पर निशाना बनाने वालों को फटकार लगाते हुए कहा था कि जो उनके क्रिकेट करियर में किसी भी तरह के नकारात्मक चीजों के लिए इस अभिनेत्री को जिम्मेदार ठहराते हैं उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए।